सर जी का पूरा सुन लिया ना? ओए बैठ के शांति सुनो, नहीं बैठा ये बैठा नीचे बैठा, तो बैठ के सुनो। आज अगर आपने इन दोनों की बातें खोल ली तो आपका आत्मा छोड़ दो रोक रोक करेगा। दिमाग के साथ एक बार तैयार है एक जबरदस्त ताली पूछ रहे सर के लिए। साथियों सारे लोगों को नमस्कार। पीछे वालों वापस ले लो, आवाज आ रही? यस। हाथ ऊपर करके एक बार अपने अपने लिए एक बार जोरदार तालियां पहले बजा के बताइए। जोरदार तालियां, यूटी यूटी के साथ यूटी जोरदार तालियां। हाथ ऊपर करके अभी तक की जोरदार तालियां बजाइए। जितना आपने हाथ दबाए हैं, अभी जितना आपने बाहर खाया है, देहांत हो गया और मेरी मम्मी जी ने
धन्यवाद देता हूँ अपनी मम्मी जी को, ऐसी मम्मी ऐसी ना, यदि हर व्यक्ति को यदि दे तो सेफ स्टॉप में हर एक बंदा मेरे जैसे यहाँ तक पहुँच सकता है। यदि मेरी मम्मी जैसे यदि आपके पास आए तो हर बंदा मेरे जैसे यहाँ पहुँच सकता है साथियों। थैंक यू। मेरी मम्मी जी ने बहुत कष्ट झेले इस ग्रह से पहले हम लोगों ने जब बचपन था, क्योंकि पिताजी 5 साल की उम्र में ही, हम जब 5 साल के थे तब पिताजी देहांत हो गया और मम्मी जी ने हम दोनों भाइयों का पालन पोषण किया। बड़ी बहन थी, उनकी शादी हो गई और मम्मी जी ने हम दोनों भाइयों का पालन पोषण किया। शादी मेरी 8वीं तक पढ़ाई गांव में ही हुई और शादी इतनी विषम परिस्थिति में, धन्यवाद देते मम्मी जी को कि इतना कष्ट झेलकर हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। शादी इस बिजनेस की वजह से, जहां पर मम्मी जी ने एक छोटा मोटा हमारे गांव में ही एक खेत था 3-4 एकड़ का, तो उसमें हमारे चाचा जी लगते, दूर के चाचा जी है, उनका कोई हस्तक्षेप हमारी जमीन पर नहीं था। फिर भी उन्होंने सोचा कि ये लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, बच्चे छोटे छोटे, ये लोग कुछ जानते नहीं है। उन्होंने केस दर्ज करा दिया कि इनका खेत हम कब्जा कर लेंगे। और साथियों मम्मी जी का धन्यवाद कि बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़ी लिखी एक भी नहीं है, लेकिन मम्मी जी ने 14 साल संघर्ष की, 14 साल कैसी इन्होंने लड़ी। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता था जब मम्मी बताती थी कि सतना के सरगी गांव चौराहे पर पानी गिरता रहता था, जोरदार पानी गिरता रहता था और मैं अकेले बैठी रोया करती थी कि यानी कोई मेरा सहारा है, कोई होता तो मेरे साथ चलने के लिए कोई हो। साथियों इतनी विषम परिस्थिति को झेल कर मम्मी जी हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। और बचपन से ही एक बात इसमें थी कि यार पढ़ाई लिखाई अच्छी करनी है और पढ़ाई लिखाई अच्छी करके एक अच्छी सी नौकरी पाना है, जिसकी वजह से घर की जो दरिद्रता है, घर की जो गरीबी है, इसको दूर करना है। और इसके बाद सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे बड़े भाई साहब मिस्टर पुष्पेंद्र जी, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सर को इसलिए मैं जब जब इनका नाम लेता हूं रियल में बताऊं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा शख्स है कि जिंदगी में इतनी सारी दिक्कतें, इतनी सारी समस्याएं इन्होंने झेली है, मैंने उतना ज्यादा कुछ नहीं झेला क्योंकि बड़े भाई साहब का हाथ था, लेकिन इस व्यक्ति को मैंने देखा है कि संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए मैंने इनको देखा है। घर की इतनी विषम परिस्थिति में इन्होंने गर्मी की छुट्टियों में पढ़ाई भी करते थे, पढ़ाई तो एक दो महीने में जब छुट्टी होती है मजदूरी भी बड़े भाई साहब करते थे कि कैसे में से कुछ पैसे आ जाएंगे, 3-4 हजार भी यदि इकट्ठे हो जाएंगे तो हम दोनों भाइयों के लिए अगले साल पढ़ाई के लिए बंदोबस्त हो जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं बड़े भाई साहब ने झेली है और मैं चाहता हूं मेरे बड़े भाई साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां आगे बढ़ती होनी चाहिए। सर का इसलिए हमेशा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि माँ का एक बेटा अपने दूसरे भाई को देखकर खुश नहीं है, लेकिन एक ऐसा भाई जो अपने छोटे भाई को आगे बढ़ाता है बाकी से सारी चीजें पीछे करता है। एक बार आगे जोरदार तालियां पुष्पेंद्र सर के लिए बजाइए, जोरदार तालियां। आज जो कुछ भी मैं हूँ, आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने बड़े भाई साहब की वजह से हूँ और जहाँ कुछ भी मैं जाऊँगा तो अपने बड़े भाई साहब की वजह से जाऊँगा। साथियों 8वीं तक गांव में पढ़ाई किया, इसके बाद
हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई पास के ही एक छोटे से कस्बा सतना से 25 किलोमीटर दूर जेतवारा मैंने किया। 12वीं तक की मैंने पढ़ाई की और एक बात माइंड में सेट थी कि यार घर की दरिद्रता दूर करनी, घर की गरीबी यदि दूर करनी है तो पढ़ाई लिखाई दमदारी से करना पड़ेगा। बचपन से ही क्योंकि कष्टों से बचपन झेले हैं, जिंदगी में हमेशा कष्ट ही नहीं है। 10-10 रुपए के लिए 100-100 रुपए के लिए मोहताज होते थे। लेकिन साथियों मैंने दमदारी से पढ़ाई किया और 10वीं में मैंने 82% लेकर आया और अपनी मम्मी जी को भले अनपढ़ थी लेकिन मम्मी जी को मैं वहां की अध्यक्ष घोषित किया। प्रिंसिपल साहब ने वहां की अध्यक्ष बना दिया मम्मी जी को। दसवीं में मैंने 82% लाए तो मम्मी जी को अध्यक्ष बना दिए। 10वीं 11वीं 12वीं मम्मी जी अध्यक्ष बन के बैठी और प्राउड तब मुझे हुआ कि जब गणतंत्र दिवस स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर प्रिंसिपल साहब के बगल में मम्मी बैठती थी तब दिल से लगता था कि यार अब कुछ बड़ा मैंने कर रहा हूँ। तब हर्ष फील होता था कि प्रिंसिपल के बगल में मम्मी जी, पढ़ाई लिखाई मेरे मम्मी की कुछ भी नहीं है, मम्मी कुछ आपने पढ़ा है नहीं पढ़ी है। लेकिन साथियों 12वीं में मैंने 85% लाए साइंस से, 85% लाए, अखबार में भी मेरा फोटो छप गया था। एचआर जी से पूछ सकते हैं हरिराम शुक्ला जी आपने देखा कि नहीं देखा, राकेश सर को नहीं पता है, अखबार में मेरी फोटो छप गई और अपनी स्कूल में नंबर वन टॉपर में निकल गया। 85% साइंस से लेकर आया था। बचपन से ही टीस थी कि यार जब इतनी गरीबी से जिंदगी गुजर रही है तो कुछ बड़ा काम करना है और भूखे से भी कोई मौका मिल जाए, कोई मौका मिल जाए हम करके साबित कर देंगे। लेकिन साथियों कोई मौका मिल नहीं रहा था और जाने 9वीं से लेकर 12वीं तक एक ड्रेस मम्मी जी ने खरीदी थी। एक ड्रेस में 4 साल मैंने बिताए। 9वीं में पढ़ा एक ही ड्रेस में वही ड्रेस, 10वीं भी क्रॉस किया वही ड्रेस, 11वीं भी मैंने पढ़ा वही ड्रेस, एक ही ड्रेस में 4 साल जब तक पैंट मेरा यहां से नहीं हो गया। सोचिए क्या गरीबी रही होगी, 4 साल एक ही ड्रेस में गुजार दिए। कभी भी डिमांड मम्मी से की ये नहीं क्योंकि करते तो किससे करते, वो तो हमको भी पता था। लेकिन साथियों मैंने पढ़ाई लिखाई किया और पढ़ाई लिखाई करने के दौरान ही बड़े भाई साहब को एक बिजनेस मिल गया और बड़े भाई साहब को बिजनेस मिला तो बड़े भाई साहब मम्मी जी का हमेशा धन्यवाद कि मैं दूसरे मम्मियों को देखता हूँ कि लोगों की एक आईडी यदि बताए ना, 3 आईडी बताए तो लोग खुद मना करने लगते हैं। मैं सच में बताऊं जो व्यक्ति भी प्लान बताने मेरे घर रह रहे होंगे चाहे कुछ भी बताए हो चाहे नहीं, ट्रिपल आईडी उन्होंने नहीं बताई लेकिन मेरी मम्मी बोली कि मेरे बेटे अकेले नहीं करेंगे, मेरी एक बेटी है वो उसकी भी आईडी लगेगी, मेरे एक छोटा लड़का उसकी भी आईडी लगाएंगे और बड़े लड़के की भी आईडी लगाएंगे, 3 आईडी। जो व्यक्ति प्लान सोती है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि उन्होंने ट्रिपल आईडी का फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया। लेकिन मेरी मम्मी जी की सोच देखिए कि मम्मी जी बोली कि मेरे दो जहां भी लगे मेरे बच्चे इकट्ठा लगेंगे, दोनों बच्चे। और साथियों मैं कॉलेज करने लगा, बड़े भाई साहब को बिजनेस समझ में आ गया लेकिन उस दौरान मुझे नहीं लगता था कि इस बिजनेस की वजह से कुछ बड़ा किया जा सकता है, इस बिजनेस से हमारी जिंदगी परिवर्तन हो सकता है। मुझे नहीं समझ में आता था क्योंकि जब लोगों की सलाह में सुनता था लोग बोलते थे ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं, ये बेवकूफ बनाने का काम है, जोड़ने का काम है। जब ऐसा ऐसा लोग बोलते थे ना तो मेरे भी माइंड में लगता था कि यार, और थोड़ा सा मैं पढ़ा लिखा भी था तो एक ये भी ईगो था कि यार मैं जोड़ने वाला काम करूंगा, ये काम करूंगा। उस समय मुझे बहुत वो लग रहा था कि नहीं करना है तो नौकरी करना, लेकिन बड़े भाई साहब इस काम को कर रहे थे शानदार तरीके से। 6 महीने हो गए, 6 महीने तक मैंने काम ही नहीं किया, बड़े भाई साहब इस काम को कर रहे थे। लेकिन अचानक
इस बिजनेस को करने के लिए मैं मजबूर हो गया। शायद यही जून का महीना था, घर में मैं पंखा लगा के सो रहा था भैया, और बड़े भाई साहब सतना में रहते थे, और सरसा बता दूं मैं कि ऐसे रूम में लेकर रहते थे कि एक कच्चा मकान और ऊपर से टीना छाया हुआ। अब सोचिए जून के महीने में यदि टीना छाया हो तो आदमी को मजा आएगा, मजा आएगा क्या? जून का महीना इस तरह की चिलचिलाती धूप हो और टीना यदि छाया हो तो तकलीफ भरी जिंदगी होगी कि नहीं होगी? yes! दूसरी बात, बड़े भाई साहब चूल्हे में ही खाना बनाया करते थे, ऐसी जिंदगी थी। लेकिन साथियों, मैं घर में सो रहा था, मम्मी जी बोलने की बड़े भाई को लगाओ कॉल, कहाँ है, कहाँ नहीं है। मैंने फोन उठाया, भैया को फोन लगाया, बोला आप कहाँ हैं? तो ये बोले कि मेरी साइकिल का टायर फट गया है, जेब में पैसा एक रुपए है नहीं, और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं। उस दिन मेरे बात दिल में लग गई थी, वहीं बैठे लेटे लेटे मेरे आंखों में आंसू आ गए। सच में बताऊं, लेटे लेटे आंसू आ गए कि यार मुझे नहीं लगता कि इस बिजनेस में बड़ा काम किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि इस बिजनेस में लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस यदि मेरे बड़े भाई साहब को यदि बात समझ में आती है, यदि मेरे बड़े भाई साहब को इस बिजनेस में बात समझ में आती है, बिजनेस से लाखों और करोड़ रुपए कमाया जा सकता है, तो साथ अपने लिए नहीं सही, अपने बड़े भाई साहब के लिए बिजनेस करूंगा मैं। आज से अपने बड़े भाई साहब तेरे जैसा यार कहाँ है।
तो लोग मेरे को बोलते थे जी
फिर ना तो आपकी कंपनी का पता चलेगा ना तो आपका पता चलेगा, ऐसा ऐसा लोग बोलते थे। लेकिन साथियों उस वक्त हमने सही डिसीजन लिया, उस व्यक्ति से हमने डिस्कस किया जो व्यक्ति इस बिजनेस से लाख रुपए कमा रहे थे, क्योंकि हमको ये बात पता थी कि यदि किसी लटुकड़े से यदि पूछेंगे, निकम्मों से यदि पूछेंगे तो यही सलाह देगा कि कुछ होता नहीं है। लेकिन हमने उस व्यक्ति की बात मानी जो व्यक्ति इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा चुके थे। हमने उनकी बातों को फॉलो किया, उनकी बातों को हमने माना और साथ ही हम दोनों भाइयों ने लगातार काम करना चालू किया। और साथ ही इस बिजनेस की बदौलत जहां पर हमने अकेले से बिजनेस शुरुआत किया था, आज इस बिजनेस की वजह से आज शानदार से स्मार्टफोन चला रहा हूं, स्वयं की बाइक से चलता हूं। और साथियों बाइक लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं बाइक लेना। केवल 2 साल हुए मुझे बाइक ली हुए और 2 साल के अंदर 73,000 किलोमीटर रन कर चुका है मेरी बाइक। 73,000 किलोमीटर बाइक लेना कोई बड़ी बात नहीं, बाइक लेकर हर व्यक्ति बाइक ले सकता है। आपकी जो मीटर कितना बता रहा है इससे पता चलता है। यस किलो साथियों बिजनेस की शुरुआत किया, दमदारी से हमने काम किया, लैपटॉप लिया। इसी बिजनेस में हमने दमदारी के साथ लोगों को बताना चालू किया, आप दो मोटरसाइकिल लेकर में दो लैपटॉप है। और इसी बिजनेस की जहाँ पर हमने शुरुआत किया था लोग बोलते थे कोई नहीं आने वाला, लोग बोलते थे आप फंस गए हो, तुम लोगों को फंसा रहे हो। लेकिन साथियों उनकी अच्छी बातों को मानता तो शायद कुछ नहीं होता, लेकिन सिस्टम की बातों को माना, अप्लाई वाली बातों को माना, आज पूरे भारत के अंदर आज मेरे साथ में 1700 से ज्यादा लोगों की आंखें हो चुकी है साथियों, 1700 से ज्यादा। और साथियों जहां पर हमने बिजनेस की शुरुआत किया था लोग बोलते थे ज्यादा उड़ो मत, ज्यादा उड़ो मत, ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ दिन करोगे फिर बैठ जाओगे। लेकिन साथियों इस बिजनेस में हमने दमदारी दिखाई, इस बिजनेस में हमने लगातार काम किया। और साथियों मेरे पूरे खानदान में जो काम मेरे पूरे खानदान में किसी ने करके नहीं दिखाया, मेरी कई पीढ़ियों में किसी ने करके नहीं दिखाया। लेकिन साथियों इतनी कम उम्र के अंदर जो लड़का आपके सामने खड़ा ना, हवाई जहाज की भी यात्रा करके आ चुका है, हवाई जहाज की भी यात्रा करके आ चुका है। जहां पर लोग बोलते थे ऐसा कुछ नहीं होता, साथियों आए मैंने प्रूफ करके दिखाया, हवाई जहाज की यात्रा करके दिखाया, पूरे गांव में सोहरा मच गया, पूरे गांव में पूरे रिश्तेदार में सोहरा मच गया कि आप तक कोई हवाई जहाज में नहीं चढ़ा। बोला ये कम उम्र का लड़का हवाई जहाज में चढ़ के आ गया, बताइए जिंदगी बदल गई कि नहीं बदल गई? Yes. बदल गई ना? Yes. साथियों जहां पर हमने बिजनेस की शुरुआत किया था, जहां पर 4 साल एक ट्रस्ट में मैंने गुजार दिए थे, एक ड्रेस पहन के 4 साल मैंने गुजारे थे 9 से 12 तक। साथियों जो लड़का आपके सामने खड़ा है, जो आज मैं सूट बनवा के लाया हूँ, साथियों आज 1-2 सूट मेरे पास नहीं है, ये 8वां सूट है मेरा, 8 सूट है मेरे पास, 8। जहां पर एक ड्रेस में मैंने 4 साल गुजार दिए थे। आज सोचिए 70,000 से 80,000 रुपए के तो कोट पैंट, बताइए जिंदगी बदल गई कि नहीं बदल गई? Yes. बदल गई ना? Yes. साथियों जहां पर बिजनेस की शुरुआत किया था लगता था 2,000-3,000 यदि आएगा तो मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए पॉकेट मनी का इंतजाम हो जाएगा, स्टूडेंट यही सोचता है। Yes. हाँ या ना? Yes. साथियों बिजनेस में दमदारी दिखाई, दमदारी के साथ हमने काम किया और जो मेरी 7 हफ्ते की पेमेंट अभी आई है, 7 हफ्ते की पेमेंट आई है 52,315 रुपए, 7 हफ्ते की पेमेंट।
टारगेट बार बार देती है, देती है कि नहीं देती? यस। साथियों कंपनी ने टारगेट दिया और मुझे प्राउड है, हमें प्राउड है अपने उस नंबर फाइव का टीम पर कि साथियों जहां भी जाती है अपने नाम का झंडा गाड़ जाती है हमारी दमदार फाइव का टीम के लिए। अभी तक की जो जाता ले आई थी फाइव का टीम के लिए जो जाता ले होते हैं जो जा हम एक ऐसी टीम से बिलोंग करते हैं, मुझे प्राउड है हमें घर में इस टीम का हिस्सा बनने पर कि साथियों जो एक्सप्रेस नहीं सुपर फास्ट जैसे चलती है, बड़े भाई साहब ने कंपनी के एक बार नहीं तीन तीन बार कंपनी के टारगेट जीते और बड़े भाई साहब ने सुपर फास्ट लगा दी, सुपर फास्ट ट्रेन लगा दी और साथ ही इस बिजनेस में हम बड़े फाइटर टीम ने काम किया और मान उनकी जो भी टास्क देते हैं जो भी टास्क दिया है हमारी टीम ने 10 गुना ज्यादा काम करके दिखाया। साथियों 10 गुना ज्यादा हमारी टीम ने काम करके दिखाया। कंपनी के हमने कई टारगेट जीते, अपनी टीम में ढेर सारे लोगों को हमने टारगेट जिताया, चाहे मोबाइल का टारगेट हो, चाहे लैपटॉप मोबाइल के टारगेट हो कंपनी के, चाहे फॉरेन ट्रिप की टारगेट हो, हवाई जहाज की भी टारगेट हमारी फाइटर टीम ने फाइट करने के दिखाया, बैंकॉक ट्रिप का भी टारगेट हमारी टीम ने फाइट करके दिखाया। साथियों महागुरु जी जिस दिन से रैंक चालू हुई, महागुरु जी ने रैंक लगाई और महागुरु जी ने बताया कि जो दमदारी दिखाएगा वो टीम दमदार होगी और महागुरु जी ने रैंक लगाई और साथियों हमारे ग्रुप ने बिल्कुल तहलका मचा दिया। ऐसे फाइटर टीम नंबर वन टीम नहीं है साथियों, ये कमिटमेंट महागुरु जी से हमने कर दिया था कि महागुरु जी आपके बाद यदि तीसरी रैंक कोई टीम नहीं कराएगी तो हमारी फाइटर टीम पहले नहीं कराने वाली, फाइटर टीम पहले नहीं। इसका जीता जाता बोलते भर नहीं है, हमारी फाइटर टीम वो काम करके दिखाती है जो आपके सामने है, उस देश सामने मां तुलसी के बाद तो तीसरी रैंक पहले लेकर आई, मां तुलसी के बाद तीसरी रैंक। हमें गर्व है इस टीम का हिस्सा बनने पर क्योंकि हमारे मेंटर इतने मजबूत हैं, हमेशा जिस दिन से हमने जिम्मेदारी लिया है इस काम की दोनों भाइयों ने हमेशा एक ही दोनों लोगों कमिटमेंट रहा है कि महागुरु जी के नेटवर्क में ऐसा काम करके दिखाना है जिससे हमारे ग्रेट मेंटरों का नाम रोशन हो, जिससे हमारे गुरुओं को हमारे महागुरुओं को प्राउड होना चाहिए कि यार ये हमारी टीम के बंबर शेर हैं, ये लटूरे नहीं है। हमेशा चाहे हरिराम शुक्ला महागुरु जी हो, चाहे राकेश सिंह महागुरु जी हो, हमेशा कोई टीम यदि कंपटीशन करेगी महागुरु जी को छोड़ना पड़ेगा, पहले हम दोनों से पहले निपट के जाना पड़ेगा, पहले हम हमेशा महागुरु जी लोगों को गर्व प्राउड फील कराए हैं। साथियों हमने रैंक हासिल किया और साथियों प्राउड फील तब होता है जब आप अपनी टीम में रैंक अचीवर निकालते हैं। एम राइट या रॉन्ग? साथियों मुझे गर्व है इस बात को बताते हुए कि अभी तक हमारी पूरी फाइटर टीम से 16 से ज्यादा रैंक अचीवर निकल चुके हैं। साथियों 16 से ज्यादा निकल चुके हैं फाइटर टीम से। फाइटर टीम ऐसे ही नंबर पर नहीं चलती, ऐसी टीम है जो बहुत बिल्कुल सुपर फास्ट लगी हुई है जिसके फाउंडर हमारे ग्रेट महागुरु जी मिस्टर पुष्पेंद्र जोर से जोर से तालियां बजाते हैं। नेट अचीवमेंट की बात करें इस बिजनेस से पहले बड़े भाई साहब सदमा से मैहर में घुमाने नहीं लेकर जाते थे, आम घर में होता है एम राइट या रॉन्ग? होता है ना। लेकिन साथी इस बिजनेस की पावर है कि इस बिजनेस में हमने दमदारी दिखाई, इस बिजनेस की वजह से हिंदुस्तान के जो भी टॉप मोस्ट सिटी का नाम ले लो, चाहे आगरा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मथुरा हो,
चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, साथी वो हार क्या गए इस मिथिले में घुमाए और एक एक दिन नहीं हफ्ते हफ्ते भर में घूम के आए इस मिथिले की वजह से हफ्ते हफ्ते भर घूम कर आया। और सबसे बड़ी बात होती है साथी सही जी से इस बिजनेस की शुरुआत किए थे। इस बिजनेस से पहले 10-10 रुपए जेब भी नहीं रहते थे, लेकिन प्राउड तब हुआ, गर्व तब हुआ इसी महाशिवरात्रि को, इसी महाशिवरात्रि को बड़े भाई साहब ने इसी बिजनेस में काम करके 6.5 लाख की कार भी बुक कर चुके हैं। 6.5 लाख की कार भी बुक कर चुके आप बताइए साइकिल से चलने वाले व्यक्ति यदि कार तक यदि पहुंच गए तो जिंदगी बदल गई कि नहीं बदल गई? साथियों साइकिल से चलने वाले जहां पर साइकिल के टायर यदि फट जाए तो सोचना पड़ता था कब चेंज कराएंगे, लेकिन आया भी महाशिवरात्रि को कार 6.5 लाख की चमचमाती उतर गया है। और साथियों अभी तक क्योंकि ज्यादा टाइम अलाउड करता नहीं है, अभी तक गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद इतनी मुझे प्राउड है इस बात को भी बताते हुए कि इतनी कम उम्र के अंदर गवर्नमेंट को टैक्स मेरे नाम का जाता है, बड़ी बात है कि नहीं है? Yes. साथियों अभी तक गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद 1 नंबर की इनकम जो मैंने कमाई है बड़ी तरह